सत श्री अकाल सारिआं नूं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 6 तरीक नूं राजस्थान सी दाणा मंडी दे विच असीं गुरु रामदास किसान मजदूर सेहत मेला रखन जा रहे हैं, जिहदे विच वर्ल्ड कैंसर केयर वालों कुलवंत सिंह धालीवाल वालों फ्री कैंसर दे टैस्ट किए जाएंगे। उस तों इलावा गवर्नमेंट की सारी टीम आऊगी उदन, ENT दे सारे रिलेटिड बोनस के रिलेटिड सारे फ्री टैस्ट किए जाएंगे, नाल ही फ्री मुफ्त दवाइयां भी वंडियां जाएंगियां। उस तों इलावा सन फाउंडेशन विक्रमजीत सिंह सानी वालों उन्हों का एक स्टॉल लगेगा, जिदे उत्ते जिहड़ी ड्रग्स रीहैप दे जिहड़ी उन्होंने खालसा कॉलेज के सामने सेंटर खोलिया है, फ्री उत्ते बच्चों रखा जाता है और नाल ही टेक्निकल जिहड़ी उन्हों सिखलाई दी जाती है वो बारे भी जानकारी दी जाऊगी। स्किल डिवेलपमेंट का कोर्स वो करवाते हैं बच्चों, ताकि उन्होंने रोज़गार मिल सके। उस तो अलावा UPL कंपनी जिहड़ी खादा की कंपनी है, ऑरगैनिक फार्मिंग असी प्रमोट कर रहे हैं, कुदरती खेती, क्योंकि जिहड़ियां खादा ने उन्हां करके जिहड़ी कैंसर हुंदी है उहदी अवेयरनैस असी पिंडां पिंडां तक लेके गए हैं। सो UPL वालों कुदरती खादा का स्टॉल लगेगा। उस तो अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टीकल्चर हो गया एंड एग्रीकल्चर विभाग हो गया, उन्हां दीआं जिन्नीआं भी सबसिडीज़ ने किसानों मिलदियां ने उन्हां सारिआं दे उत्ते स्टॉल लगणगे और वो संद भी लेके आउणगे जिहड़े जिन्हां दे उत्ते सबसिडी है, और जिवें असीं पराली नूं ना बालणा है वो जिहड़े भी यूटिलाइज हुंदे है एग्रीकल्चर दे विच वो सारे उत्थे लगणगे। एंड नाल ही उत्थे कनवर गरेवाल जी भी आउणगे और किसानी अंदोलन दे विच उन्होंने साडा बहुत साथ दिता सीगा, ते इसे तरीके नाल उत्थे वह अखाड़ा लाउणगे अपना किसानी दे संबंधित जानकारी देंदे हुए किसानी गाणियां दे नाल। एंड नाल ही साडे जिहड़े वर्ल्ड कैंसर केयर दे कुलवंत सिंह धालीवाल उत्थे आउणगे और नाल विक्रमजीत सिंह सानी राज्यसभा मैंबर वह उत्थे होणगे, नाल ही साडे मंत्री साहब डॉक्टर बलबीर सिंह जिहड़े सेहत मंत्री ने वो उत्थे आउणगे, नाल ही चेतन सिंह जोड़ा माजरा जिहड़े हॉर्टीकल्चर मिनिस्टर ने वो उत्थे होणगे। नाल ही असीं इनविटेशन दिता है खुडिया साहब जिहड़े एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंदे ने उन्हां नूं भी इनविटेशन दिता है, वह भी उन्होंने हाजरी भरी है कि वह होणगे। नाल ही कुलदीप धालीवाल जिहड़े साडे फॉरन मिनिस्टर ने वह भी उत्थे होणगे, DC साहब होणगे, नाल ही साडे SSP अमृतसर। उस तों नाल जिहड़ी असीं मुहिम चालू कीती है पिंडां दे विच ड्रग नूं रोकण दी, सो वो ड्रग रोकण वाली जिहड़ी असीं कमेटियां शुरू कीतियां, जिवें पिंड अदलीवाल दे विच सब तो पहली कमेटी बनाई गई है ग्राम पंचायत बुला के, जिहदे विच सारिआं ने अपना 21 मैंबरी कमेटी बनी है और नाल ही जिहड़े ड्रग वेचण वाले उन्हां दे नाम लिखे ने, और वो सारा जिहड़ा ग्राम पंचायत दे जिहड़ा लैटर हैड दे उत्ते असीं DC साहब नूं दित्ता है, नाल ही SSP सतिंदर जी नूं दित्ता है, और उस दे विच मता पास कीता है माई भागो चैरिटी वालों ते पिंड वालों भी जिहड़ा भी इंसान ड्रग वेचदा जिन्हां दे नाम लिखवाए ने एक कमेटी दे 21 मैंबर इकट्ठे जदों जाणगे उदों ही जमानत दे सकणगे, अदरवाइज़ पिंड दा कोई भी वसनीक जिहड़े ड्रग वेचण वाले आ उन्हां दा कोई भी जमानत नहीं देगा। जे कोई जमानत देगा पिंड वालों उन्हां दा बाइकॉट किया जाऊगा, तो SSP सर वालों उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाऊगी, तो साडे वालों साडी चैरिटी वालों उन्हें सोशल मीडिया के उत्ते भंडिया जाऊगा कि ये ड्रग प्रमोट कर रहा है। सो साडे राजसांसी इलाके का सब तो पहला पिंड जिहड़ा पिंड अदलीवाल इस मुहिम दे विच अग्गे आया है। सो सेहत मेला जिहड़ा इह असीं करवा रहे ऑल ओवर सेहत मेला है, जिहदे विच किसानां दी हैल्थ, किसानां दे खेतां दी हैल्थ कि असीं ऑरगैनिक फार्मिंग नूं प्रमोट कर रहे हैं, नाल ही और कैंसर दी अवेयरनैस और नाल ही असीं ड्रग्स ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੈਰੀ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
उस तरीके ना किस तरह पिंड दे लोकां नूं जागरूक करके उस कैंप दे विच लिआउण दी तुहाडे वल्लों योजना बनाई गई? देखिए असीं उन्हां नूं कहा कि पहलों मालवे दे विच कैंसर बहुत सीगा और मालवे दे विच ट्रेनस आउंदियां सीगियां जिन्ना कैंसर भर के जांदी सीगी ट्रेन कैंसर पेशेंट दी। बट हुण माझे दे विच जिवें शुगर है घर घर चोवें कैंसर हो रही है, लोकां नूं इह नहीं पता भी उन्हां नूं कैंसर हो क्यों रही है। सो बेसिकली असीं उन्हां नूं वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन वालों जो आया है यूएन दे विचों, जो मैनूं कुलवंत सिंह धालीवाल जी ने दस्या है वर्ल्ड कैंसर केयर वालिया ने भी कैंसर सानू हुंदी क्यों पई है, एज उन्होंने मैनू एक वर्ल्ड कैंसर केयर का ब्रांड अंबैसडर भी बनाया, इस करके भी मैनू उन्होंने ये सारी इनफोरमेशन दी कि मैं पिंडा पिंडा दे विच जाके अवेयरनैस करा। नंबर वन कैंसर आपां नूं हुंदी है गंदे पानी तो। सो गंदा पानी असीं सारे सोचते हैं असीं तो फिल्टर का पानी पीने हैं तो गंदे पानी तो सानू कैंसर हो रही है। वेखो पिंडा दे विच जिहड़े छप्पड़ ने, छप्पड़ां दे विच सारा गंदा पानी जांदा है और वह थल्लों पक्के तो है ही नहीं, पानी जिहड़ा थले थले जांदा है, नाल ही साडे जिहड़े बोर ने वो थले जाते हैं, वह पानी की कनैक्टिविटी है, वह गंदा पानी असं पी रहे हैं जिद नाल कैंसर होंदी है। एवें ही जिहड़ा जिवें आ गंदा नाल है गुमटाले वाला, तुसीं वेखो इहनू पक्कियां करना चाहिए है थल्लों, इहदे लागे चागे जिन्हें भी घर ने उन्हां दे एसी भी खराब हुंदे ने, उन्हां नूं कई तरीके की स्किन कैंसर भी हुंदी है। बुढ़ा नाल जिहड़ा दरिया आ उत्थे जिहड़ा सतलुज दे विच मिलदा है लुधियाने, उत्थे फैक्ट्रियां ने, पर एटलीस्ट साढ़े इत्थे अमृतसर दे विच कोई नहरां दे उत्ते किसी तरीके की कोई फैक्ट्री नहीं हैगी, कैमिकल्स नहीं पेंदे, साडा नहरी पानी वधिया आ, वध तो वध धूल मिट्टी है। सो साडी इह कोशिश है कि जिहड़ा नहरी पानी है वह पिंडां तक पहुँचना चाहिए, पिंड की टैंकी च जाना चाहिए, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट वालों फिल्टर लगता है वह घर की टूटी तक पहुँचना चाहिए ताकि वह पानी फिर भी सेफ है। सो साडी पिंडां दे विच जिहड़ी अवेयरनैस है वह यह है, पंचायती लैवल दे उत्ते भी असीं यही कह रहे हैं भी अपने पिंडां दे जिहड़े छप्पड़ है वह पक्के करो और जां अपना पानी जिहड़ा है ड्रेन दे विच कलो बाहरले बन्ने। और देखिया जाइए तो कैंसर के इलाज लिए बहुत सारा खर्चा भी आता है, अगर अजिहा कैंप लगाते हैं उसके लिए भी बड़ा खर्चा आता है, फिर की ये पैसे पिंड वालों को कोई अमाउंट रखी गई है या बिल्कुल फ्री? देखो जी ये बिल्कुल फ्री कैंप है, पिंड वालों वालों कोई पैसे नहीं रखे गए। पहलों मैं अपनी गल फिनिश कर लाँ भी कैंसर पहले नंबर पर पानी गंदे पानी तो हुंदा है, दूजे नंबर पर जिहड़ियां स्प्रे कीतियां सब्जियां असीं खाने हैं ज़्यादा तो ज़्यादा स्प्रे हुंदी है, उस तो बाद टीके लगे दुध असीं पीने उहदे नाल आपां नूं कैंसर हुंदी है, उस तो बाद जिहड़ी असीं यूरिया पेस्टिसाइड्स ज़्यादा तो ज़्यादा असं अपन फसलों से पा रहे हैं उहदे नाल कैंसर हुंदी है। आने वाले टाइम के उत्ते सरकार वालों भी यह कहा गया है भी जिन्होंने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स अपन फसलों से पाए वो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लोगों के विच अवेयरनैस आ चुकी है भी जिहड़ियां फसलों के उत्ते ज़्यादा पेस्टिसाइड्स ने जां खादा ने वो असी नहीं सेवन करांगे क्योंकि उहदे विच कैंसर है, उहदे विच बीमारी है। सो असी पिंडां दे विच ए लोगों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं। एक तो तुसीं ऑर्गेनिक खाओ, वेखो पहले टाइम सीगे तुहाडियां किचनस कच्चियां सीगियां पर उहदे विच खाण पान तुहाडा वधिया सीगा, कोई पेस्टिसाइड्स जां इह जिहियां खादा नहीं पैंदियां सीगियां, अज्ज तुहाडियां किचनस पक्कियां ने बट उहदे विच आपां खाण पान साडा नहीं वधिया हैगा। सो वी असीं एजुकेट कर रहे हां पिंडां दे विच जा के भी तुसीं अपना खाण पान वधिया करो, शहरां च ते लोकां कोल सब्जियां लाउण जोगी जगह नहीं हुंदी, उह फिर भी अपने कोठे दे उत्ते वड्डा गमला दे विच सब्जियां लाउंदे ने, तुहाडे कोल ते पिंड जगह ही बहुत है, तुसीं ऑर्गेनिक तरीके दे नाल पिंडां दे विच, मैं सुणिया है भी पिंडां दे विच वी ब्लॉक दे जिहड़े मैंबर है उन्हां नूं भी ट्रेनिंग दित्ती जा रही है सरकार वल्लों भी किस तरीके दे नाल ऑर्गेनिक खादां बनाईआं जाण, निम दे पत्तियां दे नाल लेमन पा के बहुत सारियां चीज़ां ने, मैनूं लगदा है पिंड वालियां नूं इस चीज़ का फायदा लेना चाहिदा है क्योंकि आने वाले टाइम ते सिर्फ ऑर्गेनिक ही दिखणा है आपां नूं। बॉम्बे वाली साइड ते जाइए जां असीं दिल्ली वाली साइड जाइए, मैं चंडीगढ़ रहिंदी हां, चंडीगढ़ दे विच वी ऑर्गेनिक नूं ज़्यादा महत्वता दी जाती है, भावें वह 500 रुपये किलो दुध होवे बट अगले नूं लगे ना भी ऑर्गेनिक आ तो वह ऑर्गेनिक लैणगे। सो बेसिकली आपां नूं ऑर्गेनिक वल ज़्यादा जाना चाहिए। केरला दे विच भी कुछ पिंड इहे जे ने जिन्हां ने सारे पिंड ने सारिया ने इकट्ठे मिल के खेती करनी शुरू करती कि असीं अपने पिंड दीआं सब्जियां लावांगे, पिंड दा अनाज उगावांगे और पिंड दा दुध रखांगे जिहड़ा ऑर्गेनिक होगा पिंड दे विच डिस्ट्रीब्यूट करांगे। हैल्थ प्रति सानू अवेयर होना चाहिए। सो बाकी रही गल इस कैंप की, इस विच जिहड़ा 20,000 दे कैंसर दे टैसट हुंदे आ 20,000 दे, उह सारे फ्री कीते जाणगे। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬੋਨ, ਚੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਥਰੋਟ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ।
नाल ही इहदियां दवाइयां भी दित्तियां जाणगियां, नाल ही जिहड़े सैनिटरी पैड्स भी विच असीं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि आपां अवेयरनैस लेके आए हैल्थ दे रिलेटिड, असीं विमेन दे विच हैल्थ दे रिलेटिड अवेयरनैस लेके आईए। उस तों इलावा गवर्नमेंट वालों जिहड़ा उपराला है कि ENT दे सारे और हड्डियां दे टैस्ट फ्री किए जाणगे, सारे डॉक्टर्स आउणगे, दवाइयां भी मुफ्त दित्तियां जाणगियां। सो इस करके इस कैंप दा नाम असीं सेहत मेला रखिआ, किसानां दे जमीनी पद्धर दी सेहत और उन्हां दी खुद दी सेहत, ये दोवें चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदे हुए एक कैंप रखिआ गया जिहदे विच आपां सारियां चीज़ां नूं एक यूनाइट कीता। मैडम, अगर कोई भी पेशेंट पाया जांदा वा कैंसर दा, एक कैंसर दी इलाज घट्ट घट्ट 10 लाख रुपए का खर्च हो जाता वा, मतलब ज़्यादा ही है लिमिट कोई तुसीं गल कीती आयुष्मान कार्ड दी, आयुष्मान कार्ड नाल लैके आ उस दिन आधार कार्ड नाल कैरी करियो, क्योंकि आधार कार्ड जरूरी है आयुष्मान कार्ड बनाने वास्ते। ADC वालों सारिया टीम्स लगनगियां उदन आयुष्मान कार्ड बनाने वास्ते, एंड इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्टर ने भी आना है उत्थे, उन्होंने एक वैन भी जारी की है जिहड़ी कार्ड बनाउंदी है आयुष्मान कार्ड, तो उदन आऊगी भी वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू यूज़ होगा। ओबियसली जिहड़ी 1.5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट वालों एक सहूलत दी जाती है कैंसर पेशेंट नूं, 5 लाख रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट वालों दी जाती है, 5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट वालों दी जाती है, 1.5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट वालों दी जाती है, 80 तो 90 हज़ार रुपया SGPC वालों दिता जाता है गुरु रामदास हॉस्पिटल च, और गुरु नानक देव हॉस्पिटल दे विच फ्री इलाज है इहदा कैंसर का। सो बेसिकली जिहड़े कार्ड है उदन बनणगे, तुसीं अपना आधार कार्ड कैरी करना है, और जिहड़ा कैंसर है देखो जिन्हों ब्लड कैंसर है उन्होंने 5 लाख रुपए की स्कीम सेंटर की स्कीम मिलती है, पर जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर है या दूजा कैंसर है जो 1.5 लाख रुपए के जिहदा इलाज कवर होंगे उन्होंने इतने गुरु नानक हॉस्पिटल ट्रीट किया जाऊगा। सो बेसिकली यही है, मैनू लगता है भी हर एक बंदे नू अपने कैंसर का टैस्ट करवाना चाहिए और अपने पिंड प्रति भी जागरूक होना चाहिए, अपनी पंचायत नाल गल करो पार्टीबाजी तो उत्ते उठ के भी साड़ी सेहत इंपॉर्टेंट है, पेस्टिसाइड्स घट यूज़ करो और ऑरगैनिक सब्जियां वाल ऑरगैनिक खेती वाल ज़्यादा आओ।